हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टेफिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फाइनली एप्पल ने अपना नया iOS का वर्जन iOS 14 लॉन्च कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा iOS 14 के कुछ नए फीचर्स के बारे में, किन किन आईफोन को इसका अपडेट मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कुछ दिनों पहले ही पिछले साल iOS 13 रिलीज़ किया गया था, तो यहाँ पे अभी Apple ने iOS 14 रिलीज़ कर दिया। चलिए बात करते हैं इसके कुछ फीचर के बारे में कि क्या क्या चेंजेस iOS 13 के मुकाबले यहाँ पे iOS 14 के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ डिज़ाइन और लुक फील को लेके। तो यहाँ पे जो इसकी होम स्क्रीन है ना, जो इसका डिज़ाइन है, इसके आइकन है, इसको कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर दिया गया है। इसके जो आइकन है उनको भी रीडिज़ाइन कर दिया गया है। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे या फिर अपने आईफोन को अपडेट करेंगे तो आपको एक बेटर लुक देखने को मिलेगा पिछले iOS 13 के मुकाबले। काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे आइकन दिए गए हैं और भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। तो यूज़र इंटरफेस या फिर यूज़र एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो वो अलग होने वाला है। जहाँ पे iOS 12 और iOS 13 के बीच में ज़्यादा UI में डिफरेंस नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे यूज़र इंटरफेस का थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो जिससे जो नए यूज़र हैं जो अपडेट करेंगे उसको ये सब फील आएगा कि मैं कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। तो डिज़ाइन के मामले में यहाँ पे नए चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। बात करते हैं अगले फीचर की। तो अगला जो फीचर है वो है विजेट्स को लेके। एंड्रॉइड के अंदर जो विजेट्स हैं ये काफ़ी समय पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन iOS के अंदर इसकी कमी थी। हालांकि iOS 13 के अंदर विजेट्स का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन आप उसको होम स्क्रीन पे नहीं लगा सकते थे, मतलब मनचाही जगह उसको नहीं लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या कर दिया गया, आप होम स्क्रीन पे आइकन के बीच में इन विजेट्स को लगा सकते हैं, जहाँ पे आपके फुट स्टेप वाला हो गया या फिर वेदर का विजेट्स हो गया, फिर वॉल, मतलब ऐसी बहुत सारी विजेट्स जो होते हैं, आप ऑलरेडी जानते हो, अगर एंड्रॉइड यूज़र हो तो आप जानते होंगे विजेट्स जो होते हैं वो विजेट्स आप आइकन के बीच में लगा सकते हो। जिस तरीके से आप एंड्रॉइड में लगाते हो, ठीक इसी तरीके से iOS 14 के अंदर आप लगा पाएंगे। ये जो विजिट्स हैं ये कंप्लीटली डायनेमिक हैं, यानी कि आपके टाइम के हिसाब से और आपके मूड के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। इसको देख के मुझे कुछ परसेंट मुझे विंडो फोन की याद आ रही है, जब विंडो फोन में ऐसा हुआ करता था, जो डायनेमिक टाइल्स चलती थी वहाँ पे लाइव टाइल्स चलती थी। तो ठीक इसी तरीके से iOS 14 के अंदर होगा, वहाँ पे भी सब कुछ लाइव चलेगा। जब बात करें वेदर विजिट्स की या फिर फोटो विजिट्स की, तो वहाँ पे लाइव फोटो चलती रहेंगी जो कि डायनेमिक होंगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, विजिट्स का फ़ायदा अब मज़ा iOS यूज़र भी उठा पाएंगे। बात करते हैं अगले फीचर की। अगला जो फीचर है वो है ऐप गैलरी को लेके, ऐप लाइब्रेरी को लेके, सॉरी मैं हुआ भी कि ऐप गैलरी बोल गया, तो ऐप लाइब्रेरी को लेके यहाँ पे सेम ऐसा फीचर है ऐप ड्रॉवर जैसा। एंड्रॉइड के अंदर ऐप ड्रॉवर बहुत पहले से, शुरू से ऐप ड्रॉवर चलता रहा है, हालांकि अब कुछ कंपनियों ने देना बंद कर दिया है, लेकिन iOS के अंदर कभी भी ऐप ड्रॉवर नहीं दिया गया था। तो ये ऐप ड्रॉवर तो नहीं है, लेकिन सिमिलर है ऐप ड्रॉवर के मुकाबले। इसमें क्या होगा कि जब आप स्वाइप करते जाएंगे यानी सारे ऐप आप जब स्वाइप करते हैं, स्वाइप करते करते जो होम स्क्रीन के बाद में जो सबसे लास्ट वाली जो स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको ऐप जो ये लाइब्रेरी होती है वो नज़र आएगी, और उसके अंदर सारे ऐप आपको एक ड्रावर के फॉर्म में नज़र आएंगे। वहाँ पे कैटेगरी बन जाएगी, जैसे बिजनेस ऐप, मैसेजिंग ऐप, मल्टीमीडिया ऐप, जैसे कैटेगरी बन जाएगी, वो एक तरीके से ड्रावर की तरह आपको नज़र आएंगे। जिस तरीके से एंड्रॉइड के अंदर ऐप ड्रावर होता है, क्लिक करने के बाद में सारे ऐप ओपन होकर आते हैं, तो ठीक इसी तरीके से iOS 14 के अंदर भी इस फीचर को इंक्लूड कर दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पे अगले फीचर की। अगला जो फीचर है वो है कॉलिंग को लेके, और ये जो फीचर है ना ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत सारे जो आईफोन यूजर हैं वो इस फीचर से परेशान हैं, स्पेशली वो लोग जो कि गेमिंग करते हैं। जी हाँ, कॉलिंग को लेके फीचर दिया गया है। पहले क्या हुआ करता था कि जब भी आप गेम खेल रहे हो, फिर कोई भी काम कर रहे हो अपने आईफोन के अंदर, आपके पास में कॉल आती थी, तो जो कॉल वाला यूज़र इंटरफेस होता था, जो कॉल डायलर जहाँ पे आप कॉल रिसीव करते हो फिर कट करते हो, तो वहाँ पे पूरी स्क्रीन वहाँ पे कवर हो जाया करती थी। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा, ठीक एंड्रॉइड की तरह आपको एक ऊपर छोटा सा नोटिफिकेशन नज़र आ जाएगा जहाँ से आप कॉल रिसीव कर सकते हैं या फिर सामने वाले की कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, जो स्पेशली गेमिंग करते हैं आईफोन के अंदर, जो गेम्स खेलते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ऊपर एक छोटी सी नोटिफिकेशन आ जाएगी, वहाँ से उस कॉल को कट कर सकेंगे या फिर रिसीव कर सकेंगे, जो कि एंड्रॉइड की कॉपी मान सकता हूँ मैं, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर ऐसा हो रहा था, पहले से चलता आ रहा था, लेकिन अभी iOS 14 के अंदर भी दिया गया। बात करते हैं अगले फीचर की। अगला जो फीचर है वो है PIP, यानी पिक्चर इन पिक्चर मोड। ये फीचर भी बहुत सारे iOS यूजर मिस कर रहे थे कि काश हमें पिक्चर इन पिक्चर मोड मिल जाए, जो कि एंड्रॉइड के अंदर बहुत समय पहले से चलता आ रहा है। जहाँ पे बात करें समथिंग एंड्रॉइड, मेरे ख्याल से किटकैट वर्जन जब आया था,
मेरे को कंफर्म नहीं याद नहीं है, किटकैट वर्जन जब से आया था शायद तब से ये जो पीआईपी मोड है ये चलता आ रहा है। तो पीआईपी मोड के अंदर क्या होता है कि सपोज दैट आप यूट्यूब देख रहे हो या फिर आप किसी से चैट कर रहे हो तो आपको बीच में दूसरे ऐप के अंदर स्विच होना, लेकिन आप चाहते हो कि वो जो वीडियो में देख रहा हूँ वो भी साथ में दिखता रहे, तो वो एक छोटा सा वहाँ पे एक जगह बन जाएगी, छोटा सा एक एरिया कवर कर लेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और जिससे आपका वीडियो एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होगा और आप जो दूसरा काम कर रहे हो वो भी एक साथ में कर पाएंगे। तो iOS 14 के अंदर भी इस फीचर को इंक्लूड कर दिया गया है। जो iOS यूज़र हैं, आईफोन यूज़र हैं, वो भी पिक्चर इन पिक्चर मोड का जो फायदा है, मज़ा है, वो अपने आईफोन के अंदर उठा पाएंगे। बात करते हैं अगले फीचर की। अगला जो फीचर है वो सीरी ऐप को लेके, सीरी को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। इसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है, जहाँ पे एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कराया गया है। वो ये है कि जब आप इससे कोई सवाल करते हैं तो जिस तरीके से गूगल असिस्टेंट के अंदर होता है, गूगल असिस्टेंट के अंदर क्या होता है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो गूगल से रिजल्ट उठाकर हाँ स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता है कि गूगल से ये सर्च रिजल्ट निकल के आया। तो सीरी के अंदर भी ऐसा फीचर दे दिया गया है। इसकी जो पहले जो यूज़र इंटरफेस हुआ करता था, इसका जो एनिमेशन हुआ करता था, उसको अब चेंज कर दिया गया है। पहले जहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन सी नज़र आया करती थी, यहाँ पे आपको एक बबल सा नज़र आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो सीरी का यूज़ करते हैं स्पेशली उनके लिए। और यहाँ पे नई लैंग्वेज का सपोर्ट भी दिया गया है, जहाँ पे 65 नई लैंग्वेज का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। हिंदी का सपोर्ट अभी भी नहीं दिया गया है, देखते हैं हिंदी का सपोर्ट हमें कब तक देने को मिलता है। बात करते हैं अगले फीचर की। अगला जो फीचर है वो हेल्थ को लेके, और यहाँ पे जो फिटनेस वाली ऐप होती हैं आईफोन के अंदर, उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है। और जो एप्पल की वॉच होती हैं उसके हेल्थ ऐप को और आईफोन वाले हेल्थ ऐप को आपस में थोड़ा सा जोड़ के उसके अंदर कुछ नए फीचर ऐड किए गए हैं। जहाँ पे एक फीचर जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा वो है हैंड वॉशिंग का। वो क्या करेगा कि आप जब हाथ साफ़ करेंगे तो अपनी अपने पर वो एप्पल वॉच पहन रखिए, तो आप उसके अंदर टर्न ऑन कर सकते हैं कि मैं अभी हाथ धो रहा हूँ। तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसके अंदर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, आप अपने हाथ अच्छे से धो पाएंगे और आपको बताती रहेगी एप्पल वॉच कि कब तक आपको हाथ धोने, 15 सेकंड हाथ धोने हैं, तो 15 सेकंड का उसके अंदर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और एप्पल वॉच आपको बोलेगी जब तक टाइमर ख़त्म नहीं होता आप हाथ धोते रहिए, जिससे आपको हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बात करते हैं आप अगले फीचर की। अगला जो फीचर है वो ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेटर जो ऐप होता है ना, इसको अभी ऑफलाइन कर दिया गया है। पहले आईफोन के अंदर ही ऑनलाइन काम करता था, ऑफलाइन भी काम करता था कुछ हद तक, लेकिन अभी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ नए लैंग्वेज के पैक आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके अंदर मैनुअली, जिसको आप बाद में ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलेटिंग के लिए ये जो ऐप है ये काफ़ी अच्छा है, जो कि एप्पल की तरफ से बाय डिफॉल्ट आता है। जैसे गूगल का ट्रांसलेटर ऐप हो गया, तो यहाँ पे एप्पल का ट्रांसलेटर ऐप आता है, उसको ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। उसके अंदर और नई लैंग्वेज यहाँ पे ऐड की गई है, समथिंग 65 लैंग्वेज एप्पल बोल रहा है, 65 लैंग्वेज हमने सीरी के अंदर ऐड की है और 65 लैंग्वेज हमने ट्रांसलेटर ऐप के अंदर भी ऐड किए हैं। तो जो ट्रांसलेटर ऐप है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर दिया गया है। बात करते हैं अगले फीचर की। अगला जो फीचर है वो है ऐप स्टोर को लेके। यहां पे क्या किया गया है कि एक नया फीचर दिया गया है ऐप क्लिप का। ऐप क्लिप यानी कैसे बताऊं मैं आपको, ऐप क्लिप जिस तरीके से एंड्रॉइड के अंदर होता है ना प्ले स्टोर के ऊपर, इंस्टेंट ऐप, कोई भी ऐप को आप डाउनलोड करने से पहले उसको ट्राई कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो ऐप है ये इंस्टॉल करने के बाद में कैसी दिखेगी। यानी एक वेब ऐप की तरह आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन होके वो आ जाएगी वो ऐप, जिस तरीके से एंड्रॉइड के अंदर इंस्टेंट ऐप होती है प्ले स्टोर के ऊपर। आप जब जाते हो तो बहुत सारे गेम्स और ऐप के साइड में लिखा होता है ट्राई नाउ, तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो ऐप ओपन हो जाती है बिना डाउनलोडिंग के। तो ऐप स्टोर के अंदर भी फीचर दे दिया गया है, जहाँ पे डेवलपर अब जो इंस्टेंट वाली ऐप होती है उनको अब रेडी कर सकते हैं, ऐप स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं, जहाँ से कोई भी अगर यूज़र उस ऐप को डाउनलोड करना चाहता है तो पहले उसको चेक कर सकता है कि ऐप कैसी दिखेगी। बात करते हैं यहाँ पे अगले फीचर की। जो अगला फीचर है वो है प्राइवेसी को लेके। तो यहाँ पे प्राइवेसी को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, यहाँ पे एप्पल ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है प्राइवेसी को लेकर। यहाँ पे कुछ फीचर यहाँ पे दिखाए गए हैं, वो ये है कि जब भी कोई ऐप आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे जो परमिशन वहाँ पे ऐप आपसे रिक्वायर्ड करता है आईफोन से, वो सारी परमिशन की लिस्ट आपको वहाँ पे दिखा देगा, ठीक है ना। जिस तरीके से एंड्रॉइड के अंदर होता है, एंड्रॉइड से प्ले स्टोर से आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो दो तरीके की परमिशन होती है, एक रियल टाइम परमिशन होती है, एक इंस्टॉलेशन टाइम परमिशन होती है। इंस्टॉलेशन टाइम पे जो भी परमिशन होती है जो प्ले स्टोर दिखा देता है कि ये ऐप ये परमिशन रिक्वायर्ड करेगा, तो ठीक इसी तरीके से ऐप स्टोर के अंदर भी जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने से पहले ही आपको ये दिखा देगा कि ये जो ऐप है ये क्या क्या परमिशन आपसे रिक्वायर्ड करेगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐप अगर बहुत ज़्यादा परमिशन मांग रही है, बहुत काफ़ी ज़्यादा परमिशन मांग रही है आपके फ़ोन से, तो उसको भी ये ज़्यादा से ज़्यादा नेगलेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपको बताएगा कि ये जो ऐप है ये आपके हाल या हार्मफुल हो सकती है, तो प्लीज़ यहाँ पे इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे लोकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। लोकेशन पे जहाँ पे कोई ऐप लोकेशन की रिक्वायरमेंट करती है आपसे, तो यहाँ पे उसको रियल लोकेशन की बजाय वहाँ पे थोड़ी सी फेक लोकेशन वहाँ पे प्रोवाइड करेगा,
थोड़ी सी फेक लोकेशन, आप चाहें तो उसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी ऐप जो ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन मांगती हैं, जैसे मैप हो गया वो आप अपनी मर्जी से देते हो क्योंकि आपको पता है आपको चेक करना है मुझे यहाँ जाना है, फिर व्हाट्सअप हो गया तो वो आप अपनी मर्जी से देते हो, लेकिन ऐसी ऐप जो कि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो मांग लेती हैं, जैसे आपको सेंडर हो गया या फिर बहुत सारी ऐसी ऐप हो गई जो कि विदाउट बिना मतलब कि ही लोकेशन परमिशन मांग लेती है, तो उनको ये रियल परमिशन नहीं देगा, रियल लोकेशन आपकी सेंड नहीं करेगा, आपकी फेक लोकेशन सेंड कर देगा, जिससे आप भी खुश ऐप भी खुश। बात करते हैं लास्ट और फाइनल फीचर की, वो है आई मैसेज को लेके। तो यहाँ पे आई मैसेज को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। आई मैसेज में आपको बता दूँ, आईफोन के अंदर बहुत समय पहले से चलता आ रहा है और बहुत सारे लोग जो आईफोन परचेज करते हैं आईओएस को पसंद करते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो फीचर इसका अच्छा लगता है यूज़र्स को वो है आई मैसेज। आई मैसेज को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है, जहाँ पे मैसेंजर की तरह बबल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे फीचर आपको और एडवांस यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपडेट को लेके कि किन किन आईफोन के अंदर इसका अपडेट मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आईफोन 6 या फिर उससे नीचे कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, कोई भी आईफोन यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर इसका अपडेट नहीं मिलेगा, यानी कि जिसके फ़ोन के अंदर iOS 13 का अपडेट नहीं दिया गया था उस फोन के अंदर भी iOS 14 का अपडेट नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे अगले फ़ोन की, तो यहाँ पे आईफोन SE फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और इसके बाद के जो भी सेट हैं, यहाँ पे आईफोन 6 सीरीज़ की बात करें तो 6S प्लस, 6S से ऊपर के जो भी सेट हैं या फिर 6S भी इसके अंदर इंक्लूड है, उनको iOS 14 का अपडेट मिल जाएगा, मिल चुका होगा, और iPhone XR वगैरह वगैरह जो भी नए नए मॉडल हैं उन सभी को इसका iOS 14 का अपडेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था iOS 14 के बारे में, मेरी राय मानो तो ये जो iOS 14 अब की बार दिया एप्पल ने, ये कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे फीचर जो हैं वो एंड्रॉइड से उठाए गए हैं, जो कि एंड्रॉइड बहुत समय पहले से करता आ रहा था वो फीचर एप्पल ने अब की बार कॉपी कर ली है एंड्रॉइड के। अब देखते हैं कि एंड्रॉइड इसके ऊपर क्या करता है, जहाँ पे iOS धीरे धीरे एंड्रॉइड के क्लोज आता जा रहा है वहाँ पे एंड्रॉइड थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि आगे चल के सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम ही दोनों बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था iOS 14 के बारे में कंप्लीट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द थम्सअप बटन। इफ यू आर न्यू इन माई चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।